ये देखिए, ये गई है, ये जम देखा आपने? अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। चिश्तियाँ के एक गांव से दोबारा हाजिर हूँ और उसमें एक ख़ूबसूरत डेरा और डेरे पे टाली के दरख्त पे मौजूद एक गुलहरी पकड़ ली मैंने फटाफट। देखें कहाँ जाती है। ये देखिए, ये गई है, ये जम देखा आपने? ये वीडियो में कैप्चर हो गया। ये जा रही जा रही जा रही ऊपर कवे से आ रहे हैं। वो क्या हो गया? यहाँ पे मक्खियाँ बहुत हैं शहद की, तो सर में आके टकने मार रही हैं। तो इस डेरे पे इंतहाई सुकून, इतना पुरसकून कि बस हम शहरियों को जो है ना ज़रा सी दो चार घंटे के बाद समझ लें कि वहशत होने लग जाती है कि यार इतना सुकून ज़िंदगी में कहाँ से आ गया यार। बहरहाल ये एंट्रेंस है, उस तरफ एक गांव है, गांव से बिल्कुल हट के जनाब ये एक डेरा है। ट्यूबवेल चल रहा है, हम यहाँ पहुँचे में और अल्हम्दुलिल्लाह दीर तेमरगरा सवात के सारे सिटीज से घूमते हुए और लाहौर से चिश्तियाँ और चिश्तियाँ से आगे आज शाम को हासिलपुर और इंशाल्लाह उसके बाद मुल्तान एक दिन रुकेंगे और फिर कराची का सफ़र इख्तियार करेंगे। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरी से पहाड़ों में से वापस आ गए। तो थोड़ा सा डेरा आपको दिखाते हैं और ड्रोन शॉट भी मैंने ले लिए हैं। जो इधर भाई वो शहद का छत्ता कोई लगा हुआ है आम के ऊपर, नज़र आ गया था? इतना बड़ा छत्ता लगा हुआ है, ये देखें जनाब, ये देखें बीच में छत्ता लगा हुआ है जी। यहाँ से मक्खी उड़ के आ रही है और मुसलसल मेरे सर में छत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। ये प्याज की फसल लग गई है, ऐ सरसों है? आ है जी, आ दी अनु की न कहंदे सौंफ। सौंफ, हां ये पीला सौंफ है जनाब और सफेद अजवाइन। ये अजवाइन और जो सफेद फूल है वो तनिया है। उधर तनिया ने, हां तनिया, धनिया, धनिया वो आगे, धनिया आ चीज आ गई। ये धनिया जनाब, ये धनिया है। ओ वाह वाह वाह, ये प्याज है, गंडे भी कहते हैं इनको। ये लगना शुरू हो गए नीचे ज़मीन में, मोटे होना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम तो अपनी यादगार इकट्ठी कर रहे हैं एक बेहतरीन किस्म की। ये देखें आप, ये देखें यार, अब इधर शहद की मक्खी कोई ना आए, उसने तो मेरे सर में हमले कर करके जो ना शुक्र है काटा नहीं किसी ने मुझे। जनाब डेरा ड्रोन शॉट में आपको दिखा चुका और सामने गन्ने की फसल तैयार है बिल्कुल, बहुत बड़ी। यहाँ अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो इस जगह पे, वो भी मैंने एक गांव की पुरसकून ज़िंदगी के नाम से डाली हुई है, थंबनेल पे लिखा हुआ है,
इस जगह पे पिछले साल जब मैं आया था यहाँ पे खाद डाली जा रही थी। ये नाले, ये पानी उधर ही से आ रहा है, हो अंदर से। तो इस तरह से आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये लूसन है, बकरियों का चारा, टाली लगी हुई है, और ये सारी गन्ने के साथ पीछे गन्ना खड़ा है कुछ थोड़ा सा। और ये है कुआं, शहद की मक्खी पीछे पड़ गई, बचत हो गई, नहीं तो मैंने सूझ जाना था। ये देखिए नीचे मोटर लगी हुई है, गहरा कुआं। ये डेरा जी टोका, पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे गाय भैंसें जो के बाहर बांधी हुई हैं, इधर बकरियाँ हैं वो भी बाहर ही मेरे ख्याल में शायद, इधर मुर्गियाँ हैं। पहले ये दीवार नहीं थी। मक्खी जो है ना शहद की, बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत मोटी है, काले कलर की। ये सारी मुर्गियाँ इसके अंदर बंद कर दी गई हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा सीन में मिस कर गया। ये पड़ोला कहते हैं इसको शायद, इसमें गंदम स्टोर की जाती है। और ये घर है, बस ये घर है इसका, मैंने ऊपर से आपको व्यू दिखा दिया। वीडियो का अख्ताम करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सफ़र पे। हासिलपुर जाते हुए एक और छोटी वीडियो बनाएंगे, यहाँ से 25 से 30 मिनट का सफ़र है, और उसके बाद रुकेंगे वहाँ पर रात, और अगली सुबह मुल्तान के लिए निकलेंगे। तो चलिए जनाब, अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।